फोर्सेस, हम रहते हैं हमेशा सच के करीब। मैं विजय शंकर कौशल और आप देखिए खबरें कानपुर देहात की। जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रनिया का किया निरीक्षण, संपूर्ण व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी कानपुर देहात ने रनिया नगर पंचायत कार्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा, समय से पूर्ण करने के दिए निर्देश। रनिया हाईवे के दोनों अतिक्रमण एवं वाहनों की अवैध पार्किंग पर लगाए गए। रनिया हाईवे के दोनों अतिक्रमण एवं वाहनों की अवैध पार्किंग पर लगाए रोक। जिलाधिकारी ने हचैन अकबरपुर तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत रनिया अस्पताल के ओपीडी कक्ष, टेलीमेडिसिन कक्ष, पैथोलॉजी कक्ष, दवाई वितरण कक्ष आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विशाल ने जिलाधिकारी को बताया कि आज 31 ओपीडी हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने उपस्थित चिकित्सकों को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का सही प्रकार से इलाज किया जाए, इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए, मरीजों को अस्पताल से ही दवा भी उपलब्ध कराई जाए। वहीं जिलाधिकारी ने दुर्घटना में होने वाले मरीजों के इलाज के संबंध में जानकारी ली तथा उन्होंने कहा कि मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर न कर सीधे कानपुर हेल्प भेजा जाए, जिससे कि मरीजों का समय से इलाज हो सके और जिला अस्पताल से फिर हेल्प के लिए रेफर करने में जो समय ज्यादा लगता है उसे बचाव हो सके, क्योंकि हेल्प अस्पताल में सभी संसाधन उपलब्ध है। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने रनिया नगर पंचायत भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां पर कार्यदायी संस्था CNDS संस्था के RI ने बताया कि इसका निर्माण अक्टूबर 2021 में होना था, परंतु जमीन न मिल पाने की वजह से 2-3 माह के बाद काम चालू हुआ। इस कार्य अगस्त 2022 में पूर्ण हो जाएगा। इसकी लागत 147.86 लाख है। इस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि इसमें गुणवत्ता व मानक पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न होने पाए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने अस्थायी संचालित रनिया नगर पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित नगर पंचायत के अधिकारियों से कार्यालय के लेखा जोखा के बारे में विस्तार से जानकारी ली तथा कहा कि रनिया नगर पंचायत की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी सफाई कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में सफाई का कार्य ठीक प्रकार से संपादित करें। उन्होंने कहा कि रनिया कस्बे हाईवे के दोनों तरफ अतिक्रमण एवं वाहनों के अवैध पार्किंग को हटवाए तथा जो अतिक्रमण एवं वाहनों की अवैध पार्किंग कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अकबरपुर वाली सुमान शुक्ला अधिकारी कर उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश समाचार चैनल के विजय शंकर कौशल की खास रिपोर्ट।